ग्वालियर में आज़ादी के 77 वर्ष पूरे होने पर पुलिस और सेना के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में पुलिस और सेना के जवानों ने हाथों में तिरंगा लेकर देश प्रेम का संदेश दिया। वहीं यात्रा के दौरान कलेक्टर और कमिश्नर शामिल हुए, जिन्होंने युवाओं को देशभक्ति के बारे में बताया। पूरे शहर भर में रैली निकाली गई है। इसमें प्रशासन, पुलिस और जितने हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, BSF है, CRPF है, सभी लोगों को साथ में लेके एक रैली निकाली गई जो मेरी माटी मेरा देश के नाम पर है। हम अपने इस टाइम पे अपने देश के लिए जिन्होंने शहादतें दी हैं, जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनको सम्मानित भी करें और उसकी जागरूकता भी फैलाएँ ऐसे लोगों के लिए। पहले रैली निकाली गई पूरे शहर को, इसमें ऑलमोस्ट कवर किया गया, एक घंटे के आसपास रैली रही और अलग अलग हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं अलग अलग ग्रुप में भी साथ में थे, हमारे कलेक्टर साहब, हम लोग सब साथ थे, अधिकारी लोग। पैरामिलिट्री और डिस्ट्रिक्ट फोर्स ये सारी यूनिट्स तकरीबन थी और एक तो मेरी माटी मेरा देश से संबंधित कार्यक्रम था, प्लस शहर को एक किस्म से मैसेज देना भी था, कॉन्फिडेंस देना भी था कि लॉ एंड ऑर्डर के बिंदु पे इतने सारे संसाधन हमारे पास हैं, ठीक है, कोई हिमाकत नहीं करे, ठीक है, कोई कुछ गलत करने का। ये सारा जो आज सड़क पे दिखा है ये सब किसी लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में एक्ट करने वाले लोग हैं, जिनकी संख्या ये जो दिखा वो थोड़ा सा संख्या है, क्योंकि सबको एक साथ सड़क पे लाना मुश्किल होता है, इससे कई गुना और ज़्यादा हमारे पास व्यवस्था है। एक मकसद ये भी था, मैसेज देना, एक किस्म से फ्लैग मार्च भी था।